ये क्या टीजर है यार? नहीं नहीं, कोई मुझसे कह दो कि जो मैंने देखा है ये झूठ है, ये मेरी आंखों का धोखा है, ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या देख लिया। तो आदिपुरुष का टीजर रिलीज हो गया और ये लोगों ने क्या बना दिया यार, ये क्या बना के रखा है यार इन लोगों ने, इतना लंबा इंतजार, इतना लंबा वेट कराने के बाद ये लोगों ने क्या बना दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टीजर में ये फिल्म खत्म हो जाए बस, और इससे आगे मुझे नहीं देखना कुछ भी बस। भाई लोग, ये फिल्म पूरी रामायण पे बेस्ड है, बस दिक्कत यही है कि किसी भी एंगल से लग नहीं रही है। अच्छा, ये टी सीरीज वाले फालतू फालतू गाने बनाते हैं और ये टोनी कक्कर और उसकी फैमिली को लेकर गाने बनाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, और अब यहाँ पे 500 करोड़ के VFX पे खर्चा कर दिया इन्होंने। इतना ही पैसा भगवान राम के नाम पे कहीं जाके दान कर देते तो किसी जरूरतमंद की हेल्प हो जाती। हाँ जी बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये रावण है, सैफ अली खान रावण के रोल पे हैं, बिल्कुल छपरी लग रहे हैं यार, क्यों ये बाल कटवा लिया भाई। रावण शिव शंकर का भक्त था, दशानन था, महाज्ञानी था, उसमें लाख बुराइयां हो सकती थी, लेकिन वो छपरी नहीं था यार। हथियार रॉयल स्टाइल नहीं, रॉयल पर्सनालिटी। आ रहा हूं। अब ये देखो, ये सीन प्लैनेट ऑफ एप्स से लेकर पूरा कॉपी पेस्ट पूरा वही छाप दिए। यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड टेंपल रन का दिखा रहा है भाई, मतलब पूरा वीडियो गेम बना के रख दिया पिक्चर को यार। इतना पैसा कौन बर्बाद करता है भाई। कृति सनन सीता मैया बनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट ये बाहुबली का सीन वापस दिखाने की क्या जरूरत है, हम देख चुके हैं बाहुबली का सीन। आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के। अब यहाँ पे वॉइस क्वालिटी देखिए, जो रावण वाली आवाज होती है वो राम भगवान को दे दिया गया है, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, बट राम भगवान इतने गुस्से में हमेशा कब रहे हैं, पूरा गुस्सा गुस्सा प्रभास दिखाया है, मतलब वो तो एक शांत स्माइलिंग फेस जैसे हमेशा से हम देखते आए हैं 90s के रामायण में। रामानंद सागर जी के रामायण में हनुमान का रोल दारा सिंह जी ने किया था, और क्या बखूबी क्या रोल किया था उन्होंने, आज भी हम आंख बंद करते हैं तो हनुमान के रोल में उन्हें ही देखते हैं, पर इसमें देख लो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट है इस चीज़ से, जो आपने हनुमान का रोल किसको दे दिया यार, इतने अच्छे एक्टर इतने अच्छे एक्ट्रेस भरे हुए हैं बॉलीवुड में, बट आपने किसको रोल दे दिया यार, क्या सोच के ये कास्ट की गई है इस मूवी को, मन समझ ही नहीं आ रहा है, बस प्रभास को ले लिया, पूरा पैसा जितने तक प्रभास में खर्च कर दिया, और एक्टर्स कहाँ से लेंगे यार ये। महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, बुद्धि में सबसे तेज, रावण में लाख बुराइयां होंगी, रावण कभी ये पिक्चर साइन नहीं करता यार, कभी नहीं करता। क्या सैफ अली खान को भी ज्यादा परेशान नहीं करते, उसको भी तो अपने 4 बच्चे पालने हैं। उसके टीजर को देखते बिल्कुल नहीं लगता कि कोई मूवी आने वाली है, ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम, कोई गेम निकलने वाला, इससे अच्छा तो जाके लेजेंड्स ऑफ हनुमान देख लो, वो तो इससे लाख गुना बेहतर है। भाई इस मूवी के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बोलना, कि मैं बहुत ही दुखी हूँ इस टीजर को देख के, इतना लंबा इंतजार के बाद ऐसा बकवास निकाला है। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आपको अच्छा लगा हो, टीजर देखना हो तो जाके आप देख लो, टी सीरीज वालों ने बहुत पैसा खर्च किया है VFX पे, और यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला है, अगर आप आदिपुरुष देखेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब से आपके बहुत हेल्प हो जाएगा, हमारा आपका प्यार भी मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं चलता हूँ क्रिकेट खेलने, आप देखो टीजर, बाय बाय। चल भाई छोटू बॉल निकाल।